सब्सक्राइब करें डॉक्टर चंद्रजीत यूट्यूब चैनल को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर चंद्रजीत, आपका अपना डॉक्टर चंद्रजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बताएंगे कि अपना जो पशु है यानी कि गाय है भैंस है, उसको चोट लग गया है कहीं भी किसी वजह से, अगर आपको अपने पशु को चोट लग गया है और वह पशु जो चलने में असमर्थ है, न सही ढंग से उठ पाती है, न बैठ पाती है और न सही ढंग से चल पाती है, इसके बारे में आज हम बताएंगे और लाइव बताएंगे। मेरा बगल में वीडियो चल रहा है, वह देखिए और जो जो दवाई हम इस इलाज में अभी दे रहे हैं पशु को, वही दवाई बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि पशु संबंधित हम कोई भी वीडियो डालूँ तो वह आप तक पहुँचे और सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए किसान भाइयों, बात करते हैं कि पशु अगर बहुत दर्द के वजह से लगाने लगे तो कौन सा दवा दिया जाए। तो किसान भाई, होता है क्या कि पशु को जिस भाग में अगर चोट लगती है वो उस जगह का जो है कैल्शियम डेफिशिएंसी कम हो जाता है, जिसके वजह से पशु को दर्द और लिंगराने लगती है, दर्द भी देने लगती है और लिंगराने भी लगती है, जो कि मेरा बगल में वीडियो अभी चल रहा है, देखिए पशु इसमें किस तरह से लिंगरा रही है और कौन कौन सा हम दवा दे रहे हैं। तो इसमें जो है हम सबसे पहला जो इंजेक्शन दिए हैं वो है एलेटोल, सबसे पहला इंजेक्शन दे दिए हैं एलोटेल, जो कि एलेम्बिक कंपनी का आता है। अगर बहुत ज़्यादा दर्द है किसी वजह से, अगर उसको बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा चोट के वजह से दर्द है, या फिर चोट नादी में लग गया हो, या फिर उठने के बैठने में चोट लग गया है, या कोई और पशु उसको मार बैठा हो, या फिर आप गुस्सा में अपने से अगर पशु को मार बैठे हैं पैर में और वह दर्द से लिंगराने लगे, तो आप बहुत ज़्यादा दर्द है तो यह एलिटोल जो है एलएमबी कंपनी का, यह आपको 20 ml, अगर बड़ा पशु है 4 क्विंटल के करीब है तो आपको 20 ml देना है एलिटोल डीएस, देखिए एलिटोल डीएस, जिसका कंपोजिशन है टोलोफेनिक एसिड। उसके अलावा एक और इंजेक्शन आपको देना है सेफेस्टान, जो कि जाइडस कंपनी का है, देखिए सेफेस्टान जाइडस कंपनी का है। अगर बड़ा पशु है 4 क्विंटल के करीब है तो आप अपने पशु को यह सेफेस्टान जो है 4 ग्राम देना है। 3 क्विंटल एक पशु को अगर चोट लग गया है किसी वजह से तो 3 ग्राम देना है, और 2 क्विंटल के करीब पशु है और उसको चोट लग गया है तो उसको 2 ग्राम देना है। बड़ा पशु कहने का मतलब, 4 क्विंटल कहने का मतलब बड़ा पशु है, 3 साल के करीब होता है तभी ये पशु का वजन लगभग 4 क्विंटल के करीब होता है, तो 3 साल के पशु है तो उसको 4 ग्राम दीजिए, अगर 1.5-2 साल के है तो उसको 2 ग्राम, या फिर 1 साल के है तो उसको 1 ग्राम दीजिए। उसके अलावा एक और इंजेक्शन आपको देना है कैल्विट 12, जो कि मार्क कंपनी का है। यह जो इंजेक्शन है बड़ा पशु है यानी 4 क्विंटल के करीब है तो आप उसको 20 ml दीजिए, छोटा पशु है 2 क्विंटल के करीब है तो आप 10 ml दीजिए, उससे भी छोटा है 1 क्विंटल के करीब है तो आप अपने पशु को 5 ml दीजिए। किसान भाइयों, यह जो हम 3 दवा बताए हैं, आप अपने जो जिस पशु को चोट लग गया है, दर्द हो रहा है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी है, बैठती है तो उठने में परेशानी है और खड़ा हो जाते तो बैठने में परेशानी है दर्द के वजह से, आ चलती है तो एकदम कूद के चलना पड़ता है उसको, ऐसा स्थिति हो जाए तब यह आप 3 इंजेक्शन जो हम बताए हैं डोज बाय डोज, और साइड में हम सब दवाई का, 3 दवाई का पिक्चर भी खींच के और डोज भी लिख दिए हैं, इसका भी एलिटोल डीएस है, इसका भी पिक्चर खींच के लिख के बता दिए हैं, सेफेस्टान है जाइडस कंपनी का इसको भी, और कैल्विट 12 जो है, यह 3 आप अपने पशु को दीजिए। आप एक खुराक दवा दीजिएगा उसी में वह जो दर्द दे रहा है वह निश्चित कंप्लीट हो जाएगी। किसान भाइयों, यह मेरा वीडियो आपको दर्द संबंधित जो हम वीडियो बनाए हैं आपको कैसा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए,
और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।